knowledge. WWE Raw का एपिसोड जबरदस्त साबित हुआ। WWE ने इस एपिसोड में अच्छे मैच और सेगमेंट्स को बुक किया। पिछले हफ्ते की तरह यह एपिसोड भी देखने लायक रहा। शो के दौरान एज बेली और सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स नजर आए। खैर, इस वीडियो में हम रॉ के एपिसोड में हुए सभी मैचों और सेगमेंट्स के नतीजों पर एक नजर डालने वाले है। WWE Raw की शुरुआत में बेली का सेगमेंट। बेली, इयो स्काई और डकोटा काई ने रिंग में एंट्री की। बेली ने प्रोमो कट करते हुए फैंस की बेइज्जती की और फिर बेकी लिंच को चोटिल करने का श्रेय खुद लिया। उन्होंने यहां बियांका ब्लेयर, अस्का और एलेक्सा ब्लिस के बारे में बात की। डकोटा और इयो ने वीमेंस टैग टीम चैंपियंस बनने का दावा किया। बाद में बियांका, अस्का और एलेक्सा ने रिंग में एंट्री की। उनके बीच बहस हुई और बेली ने फिर बेबी फेस सुपरस्टार को क्लैश एट द कैसल में टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया। उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर ब्रॉल देखने को मिला। ऑफिशियल्स ने आकर उन्हें रोका। उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस एंजेलो डॉकिंस। दोनों सुपरस्टार्स का यह मैच काफी शानदार रहा। सेथ के खिलाफ एंजेलो ने अपनी ताकत का जबरदस्त उपयोग किया। बीच में मॉन्टेज फोर्ड ने स्टील चेयर के साथ एंट्री की और वो गुस्से में नजर आ रहे थे। रेफरी ने उन्हें बैकस्टेज भेजा और मैच जारी रखा। अंत में सेफ ने अपने विरोधी को पेडिग्री द्वारा धराशायी किया और पिन करके जीत दर्ज की। मैच के बाद सेफ ने उन पर स्टॉम्प लगाया और फिर मॉन्टेज ने आकर उन्हें बचाया। सेथ रॉलिंस की जीत हुई। उसके बाद केविन ओवेंस वर्सेस इजिक्योल। केविन ओवेंस ने इजिक्योल पर मैच शुरू होते ही हमला किया। रिंग साइड पर ओवेंस ने इस सुपरस्टार को पावर बॉम्ब देकर रिंग एप्रोन पर पटक दिया। इजिक्योल चोटिल नजर आ रहे थे। रेफरी ने WWE ऑफिशियल्स को बुलाया। मेडिकल स्टाफ उन्हें बैकस्टेज ले गया। वहीं ओवेंस रिंग में थे। मैच का कोई नतीजा नहीं, नो कॉन्टेस्ट को मैच खत्म हुआ। उसके बाद बैकस्टेज रेमिस्टीरियो ने एज को बताया कि उन्हें डोमिनिक कहीं मिल नहीं रहे हैं। रेमिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर। फिन ने प्रोमो कट किया और मिस्टीरियो को हराने का दावा किया। डेमियन प्रीस्ट ने एज को एक मैच के लिए चैलेंज किया। मैच शुरू हुआ और दोनों सुपरस्टार्स ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। प्रीस्ट मैच में इंटरफेयर कर रहे थे और एज ने आकर उन पर हमला किया। दोनों ब्रॉल करते हुए चले गए। मैच जारी रहा और रिया रिपली अपने कंधों पर चोटिल डोमिनिक को लेकर आई। इससे दिग्गज का ध्यान भटक गया और फिन बैलर ने इसका फायदा उठाकर पिन फॉल से जीत दर्ज की। फिन बैलर की जीत हुई। उसके बाद डेना ब्रूक और टमिना का बैकस्टेज इंटरव्यू लिया गया। बेली, इयो स्काई और डकोटा काई ने आकर उनकी बेइज्जती की। टमिना ने उनकी बुरी हालत करने का दावा किया। उसके बाद डेना ब्रूक और टमिना वर्सेस इयो स्काई और डकोटा काई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का पहला राउंड। यह मैच काफी जबरदस्त रहा और यहां पर बेली की दखल देखने को मिली। मैच में कई खास पल आए, लेकिन अंत में हील स्टार्स का पलड़ा भारी रहा। डकोटा ने इयो को टैग दिया और फिर जापान की सुपरस्टार्स ने टॉप रोप से टमिना पर अपना फिनिशर लगाकर पिन किया और जीत दर्ज की। इयो स्काई और डकोटा काई की जीत हुई। उसके बाद बॉबी लैशली वर्सेस चैंपा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। यह मैच काफी धमाकेदार साबित हुआ। बॉबी लैशली अपनी ताकत का उपयोग करने पर ध्यान दे रहे थे, वहीं चैंपा के पास द मीज का साथ था। एजी स्टाइल्स ने आकर मीज को इंटरफेयर करने से रोका। इस मुकाबले में चैंपा जीत दर्ज करने में काफी ज्यादा करीब आ गए थे, लेकिन अंत में लैशली ने हर्ट लॉक में चैंपा को फंसाया। इस पर उन्होंने टैप आउट कर दिया। बॉबी लैशली ने US टाइटल रिटेन किया। उसके बाद ओमोस वर्सेस लोकल सुपरस्टार्स हैंडीकैप मैच। ओमोस का दो सुपरस्टार के खिलाफ मैच देखने को मिला। इस मैच में उन्होंने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उनकी बुरी हालत की। अंत में उन्हें काफी आसानी से पिन फॉल द्वारा जीत दर्ज की। ओमोस की जीत हुई। गेबल वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर। दोनों सुपरस्टार्स के पास जबरदस्त रेसलिंग स्किल्स है और उन्होंने इसका शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच में गेबल ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन ज़िगलर ने सुपर किक लगाकर उन्हें धराशायी किया, साथ ही पिन करते हुए जीत दर्ज की। डॉल्फ ज़िगलर की जीत हुई। एजे स्टाइल रिंग की ओर आते हुए दिख रहे थे। उसके बाद एजे स्टाइल वर्सेस द मीज नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। यह मुकाबला काफी बढ़िया रहा। उन्होंने नो डिस्क्वालिफिकेशन नियमों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। मैच के दौरान स्टील चेयर, टेबल्स और केंडो स्टिक का उपयोग हुआ। चंपा ने इंटरफेयर करते हुए मीज का साथ देने की कोशिश की। दिग्गज ने उन्हें टेबल पर पटक दिया। मैच जारी रहा और अंत में स्टाइल्स ने मीज को चेयर पर धक्का दे दिया और फिर स्टाइल्स क्लैश लगाकर जीत दर्ज की। मैच के बाद स्टाइल्स सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं उन्हें रिंग साइड पर हलचल दिखी। क्राउड में डेक्स्टर लोमिस मौजूद थे। उन्होंने शो में दखल दिया, लेकिन पूरी तरह से नजर नहीं आए। एजे स्टाइल्स की जीत हुई।
इस तरह से रॉक का एपिसोड का अंत देखने को मिला। तो कैसा लगा आपको आज का मंडे नाइट रॉ का शो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।